दिन मोहब्बत हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गाइस आप कुछ इस तरीके का लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को आपको लास्ट तक ध्यान से देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है काइन मास्टर। तो गाइस, अगर आपके पास ये वाला काइन मास्टर ऐप नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके ये वाले काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, डाउनलोड करने के बाद करने क्या है, यहाँ पे आपको अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गाइस अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर ले रहा हूँ। तो जैसा गाइस देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सीधे गाइस आप मीडिया पे आ जाओगे। तो आप यहाँ पे मीडिया पे आने के बाद करने के गाइस आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड पिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद गाइस आप किस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस रोटेट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है और इस पिक को इस तरीके से अपना रोटेट कर लेना। और रोटेट करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पे टिक करना है और देन आपको इसकी लेंथ को खींच के इस तरीके से बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप जितना बड़ा स्टेटस वीडियो बनाना चाहें उतनी बड़ी आपको यहाँ पर बैकग्राउंड की लेंथ को कर लेना है। बैकग्राउंड की लेंथ बढ़ाने के बाद गाइस अपनी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है और एडजस्ट पे जाना और यहाँ पे नीचे ह्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसको ह्यू अपने बिल्कुल कम कर देना है। आप जितना रखना चाहें अपने हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना जो भी मन हो अपना एक कलर सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं गाइस ये वाला कलर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला भी कलर मस्त रहेगा, आपका जो मन हो अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद गाइस करना ही है इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना और इसका वेगनेट आप ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ पे बंद भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कर लेना। करने के बाद टिक करना है, सिंपली स्टार्टिंग पे आना है। देन आपको लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो गाइस, अगर आपको फ़ोटो पीएनजी बनाना नहीं आता तो गाइस आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो गाइस, फ़ोटो पीएनजी को ऐड करने के बाद करने के इस फोटो के ऊपर क्लिक करना है, क्रॉपिंग पे चले आना है। इसका स्पेस आपको मास्क इनेबल कर देना है और इसका फेदर कुछ इस तरीके से हल्का बढ़ा देना है। इस तरीके से बढ़ाने के बाद टिक करना है गाइस और इसकी लेंथ को खींच के आपको लास्ट तक लेके चले आना है। लास्ट तक लेके जाने के बाद गाइस इस पीएनजी को खींच के इस तरीके से जूम करके आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद स्टीरॉइड पर क्लिक करना, इसको आपको डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट करने के बाद इसको उठा के यहाँ पे इस तरीके से लेके आना है और स्टीरॉइड क्लिक करके आपको इसको सेंड टू बैक कर देना है। और सेंड टू बैक करने के बाद गाइस इस फोटो पीएनजी को और थोड़ा आगे की ओर लेके आना है और इस सेंड टू बैक वाली पिक के ऊपर अपना क्लिक करके इसको छोटा करके पीछे को लेके चले आना है। लेके जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे एल्पोपेसिटी पे आ जाना और इसके एल्पोपेसिटी अपने हिसाब से इसको कम कर लेना है। आप जितना रखना चाहें अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। सेट करने के बाद सिंपली गाइस स्टार्टिंग पे आना है, देन लेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे गाइस आपको हैंडराइटिंग पे क्लिक करना है। हैंडराइटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना, आपके यहाँ पे सेकंड नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर अपना क्लिक कर लेना है और इसका कलर आपको ब्लैक सिलेक्ट कर देना है। ब्लैक सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर अपना इस सेकेंड वाले को सिलेक्ट कर देना है, टिक करना है और उंगली से प्रेस करके इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे स्क्रैच कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पे जितना स्केच करना चाहें इस तरीके से अपना स्केच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से स्केच कर ले रहा हूँ। स्केच करने के बाद यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद इसको इस तरीके से खींच के जूम कर देना है। तो इस तरीके से जूम करने के बाद गाइस यहाँ पे इस तरीके से इस पर शैडो आपको ऐड कर देना है। शैडो ऐड करने के बाद इस तरीके से अपना यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है और इसको आपको यहाँ पे इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको लेके जाना है। लास्ट तक जाने के बाद स्टार्टिंग पे आना है गाइस,
देन आपको लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ये वाला टेम्पलेट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से इसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद करने क्या है गाइस, सबसे पहले इसके ऑडियो के ऑप्शन पे जाना है आपको, और इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है, और नीचे आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से बैक होना है, और इसके लास्ट के ऑप्शन पे आके कैंची के ऑप्शन में क्लिक करना है। ट्रिम टू ऑडियो प्लेड करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, लेयर पे क्लिक कर देना है, देन आपको मीडिया पे क्लिक करना है। ओके गाइस इतना कर लेना है। करने के बाद करने क्या है आपको, यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो को और ऐड कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप जिस फोटो का पीएनजी बनाए उसको भी ऐड कर सकते हैं, और अगर दूसरा पिक ऐड करना है तो दूसरे पिक को भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस करने क्या, इस तरीके से यहाँ पे लेके आना, और यहाँ पे आपको गाइस क्रॉपिंग पे क्लिक करना है, इसका मास्क इनेबल करना, स्पेस के ऑप्शन पे जाना है गाइस, और इसको आपको यहाँ पे गोला वाला स्पेस को आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद टिक करना है, यहाँ से इस तरीके से बैक हो जाना है, और इसको इस तरीके से छोटा करके गाइस आपको इस फ्रेम के ऊपर इस तरीके से लेके आना है, बाहर वाले फ्रेम के ऊपर लेके आना, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, और इसको सेंड बैक करके इस फ्रेम के साइज पे आपको इसको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से इसको आपको मिला के ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसकी लेंथ को खींच के गाइस आपको करना ही है, लास्ट तक आपको लेके चले जाना है। तो इस तरीके से वीडियो को लास्ट तक लेके आ जाना। लास्ट तक लेके आने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, लेयर भी क्लिक कर देना, देन आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ पे एक ये वाला लिरिक्स वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ तक इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद गाइस इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद नीचे आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेना है, और इसको हल्का सा छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद आपको करने के इस थ्रोड पर क्लिक करना, सेंड बैक कर देना है आपको, और सेंड बैक करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है, और आपको इसकी एडजस्टमेंट पे जाके अपना ह्यू वाले ऑप्शन पे जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप जो भी कलर रखना चाहें इस तरीके से अपना कलर आपको चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, इस तरीके से यहाँ पे बैक होके लास्ट पे आ जाना है, और कैंची का ऑप्शन में क्लिक कर देना, और ट्रिम टू ऑडियो प्लेड करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, देन आपको लेयर पे क्लिक करना है, और आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट गाइस इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको करना ही है सिंपली गाइस, आपको यहाँ पे की वाले टेम्पलेट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आगे इसको भी डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद गाइस करने के सिंपली इसको इस तरीके से ऐड कर लेना है, और सबसे पहले इसके ऑडियो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद गाइस यहाँ पे नीचे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे इस तरीके से फुल स्क्रीन पे आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना है, और इसको आपको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है गाइस, और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट पे जाके इसका कॉन्ट्रैक्ट और सिचुएशन हल्का बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद गाइस इसका यू पे जाके अपना इसका कलर भी अपना चेंज कर सकते हैं, आपको जो सही लगे अपने हिसाब से उस कलर को आपको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस इस तरीके से इसका कलर यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से अपना कलर सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, तो इस तरीके से कर लेना। करने के बाद गाइस करने के सिंपली आपको यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे इस तरीके से लास्ट पे आ जाना है, और इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रिम टू ऑडियो प्लेड करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, देन लेयर पे क्लिक कर देना है, और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक और टेम्पलेट वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से आगे इसको भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से अपना यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद गाइस करने के सबसे पहले इसके आपको इस तरीके से खींच के जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद रोटेट वाले ऑप्शन पे जाना है, और इस तरीके से इसको रोटेट कर लेना है, और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद अब इसके ऑडियो ऑप्शन पे जाना, इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आ जाना है, और इसको आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है, और इसके भी एडजस्टमेंट पे जाना, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, और यहाँ पे अपना ह्यू के ऑप्शन पे जाके जो भी कलर रखना चाहे अपने हिसाब से उस कलर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद इसके लास्ट के ऑप्शन पे आना, और कैंची के ऑप्शन में क्लिक करके
ड्रीम टोराडो प्लेड करके इसका एक्स्ट्रा वाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा वाग कट करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, देन आपको लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ये वाला फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद करने गए गाइस सिंपली इस बॉर्डर पीएनजी के ऊपर क्लिक करना और इस थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको लेके चले जाना है। लास्ट तक लेके जाने के बाद गाइस देख सकते हो वीडियो बन के कम्प्लीट ही तैयार हो गया है। तो यहाँ पे गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करना ही क्या है गाइस, इस वाले एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना है और ब्राइटनेस हाई कर लेना है और यहाँ पे सेव अस वीडियो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे गाइस सेव अस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो सेव होने लगेगा। तो जैसे गाइस ये लाइन पूरी हो जाएगी तो आपका वीडियो बन के गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है।